माय चैनल कॉल टैक्स एंड से। सो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, ठीक है। तो आज का प्रोजेक्ट जो हम लोगों का है वो आपका डिपेंड करता है आपका कॉलर सेंसर के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको आज एक कॉलर सेंसर जो हमारा कॉलर डिटेक्ट करता है RGB का, तो उसके ऊपर आज मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। बहुत ही इजी सा प्रोजेक्ट है। हम लोगों के पास 3 कलर है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको पेंट किया हुआ है ऑलरेडी ब्लू रेड एंड ग्रीन कलर का, ठीक है। हम इसको आज सेंस करने वाले हैं और सेंस कलर सेंसर, ये वाला हम लोग का कलर सेंसर है, ठीक है, फोटो डायोड कलर सेंसर। और इसके थ्रू हम लोग इस कलर को सेंस करवाने वाले हैं और इसका जो रहेगा, मतलब ये रेड है तो रेड कलर शो करना चाहिए और ब्लू है तो ब्लू या फिर ग्रीन है तो ग्रीन। तो ये हम लोग, मैंने जो यहाँ पे ये LCD लिया हुआ है, ओके, ये जो मैंने LCD लिया हुआ है इसके थ्रू मैं शो करूंगा कि ये कॉलर कौन सा वो डिटेक्ट कर रहा है, ओके। तो आप चाहे तो ये आपके Arduino IDE का जो सीरियल मॉनिटर है वहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम कुछ रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैंने 3 LEDs भी लिया हुआ है, जिससे मैं, एक LED आपका ब्लू कलर का है, दूसरा आपका ग्रीन है और तीसरा आपका रेड है, ओके। तो ये सेंस करेगा, जब भी रेड सेंस करेगा रेड LED ग्लो होगा, जब भी ब्लू सेंस करेगा ब्लू LED ग्लो होगा, जब भी ग्रीन करेगा ग्रीन LED ग्लो होगा, ओके। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट पहले थोड़ा देख लेते हैं। आप सबसे पहले तो आपको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो Arduino से या फिर ब्रेडबोर्ड के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ब्रेडबोर्ड के थ्रू कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, ठीक है। और रिक्वायरमेंट में हो गया आपका ब्रेडबोर्ड, एक फोटो डायोड कलर सेंसर। अब चाहे तो आप एक कीपैड LCD शील्ड के साथ 16:2 ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल LCD 16:2 का भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। और अब चाहे तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ Arduino Mega, ठीक है, Arduino Mega यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब चाहे तो आप खुद से आप Arduino Uno भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जम्पर्स भी चाहिए होगा और कुछ LEDs भी चाहिए होगा, ओके। तो ये जो इक्विपमेंट्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इन सब का जो लिंक रहेगा, परचेज लिंक, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही, वहाँ जाके ये सब प्रोडक्ट्स आप वहाँ से बाय कर सकते हो बहुत ही चीप रेट में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट एंड लेट्स स्टार्ट इट विद द कनेक्शन फर्स्ट, ओके। सो लेट्स गो टू द कनेक्शन, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को हम अलग कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये वाला LCD यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं कीपैड शील्ड यूज़ कर रहा हूँ, ओके। तो इसको हम अलग कर देंगे। मैं Arduino Uno भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी अलग कर दूंगा, ओके। तो ये हो गया मेरा इक्विपमेंट, अब इसको हम असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम लोगों का Arduino है मेगा, उसके साथ हम ये जो शील्ड है इसको अटैच करेंगे, ओके। तो इसको पहले अटैच कर देते हैं हम लोग, ये हो गया, ये आपका Arduino शील्ड, सॉरी LCD कीपैड शील्ड आपका Arduino मेगा में इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं Arduino मेगा यहाँ पे यूज़ क्यों किया हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे Arduino Uno यूज़ करता और LCD कीपैड यूज़ करता तो बहुत सारे पिन जो है मेरे को अवेलेबल होते ही नहीं है, क्योंकि वो Arduino को पूरी तरह से कवर कर लेता है, क्योंकि ये Arduino बोर्ड के लिए ही बना हुआ है ये शील्ड, ठीक है। लेकिन Arduino मेगा जो है ये उस कुछ एक्सटेंशन देता है हमको, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्राउंड रहता है, एक्स्ट्रा 5 वोल्ट के लिए रहता है, एक्स्ट्रा डिजिटल पिन्स मेरे को यहाँ पे यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं, ओके। और मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस भी किया हुआ है, मेरा जो LCD कीपैड शील्ड है मैंने यहाँ पे उसका जो 5 वोल्ट के लिए Arduino का जो 5 वोल्ट के लिए एक्सटेंशन निकाला हुआ है यहाँ पे एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एनालॉग पिन्स के लिए भी निकाला हुआ है, ये सब चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं ये प्रोजेक्ट में। तो इसका जो सर्किट डायग्राम रहेगा कनेक्शन का, कलर डिटेक्टर का, वो मैं आपको वीडियो के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके इसको डाउनलोड करके कनेक्ट कर सकते हो, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पिन्स चेक करेंगे, जैसे कि अभी आप जो देख पा रहे होंगे
मेरा जो कलर डिटेक्टर है, ये कलर डिटेक्टर को मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको कलर डिटेक्टर के ऊपर एक अलग से कुछ ट्यूटोरियल चाहिए होगा कि एक्चुअली कलर डिटेक्टर है क्या, वो किस हिसाब से काम करता है, कौन सा लॉजिक इसमें यूज़ होता है, तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट सा वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इसको कैसे आप कलर डिटेक्टर को यूज़ करके कलर डिटेक्ट कर सकते हो और अपने LCD में शो कर सकते हो, उसके ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अगर रिलेटेड कोई और डिटेल्स आपको थोड़ा डीप जाना रहेगा, डिटेल्स आपको चाहिए रहेगा, तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और तो मैं वहां पे जाके आपके लिए एक कलर डिटेक्टर के ऊपर, फोटो डायोड के ऊपर पूरी तरह से एक वीडियो, सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, तो कुछ चीज़ें हम बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो मेरा कलर डिटेक्टर है, ओके, तो यहाँ पे कुछ पिन्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ पिन्स हैं, जैसे कि आपका आपका रहता है यहाँ पे S1 S2 रहता है, ठीक है, वो DE रहता है, ग्राउंड रहता है, BCC रहता है आपका, और यहाँ पे चार तो पिन्स रहते हैं, जैसे S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है। तो ये कुछ पिन्स यहाँ से रहते हैं, तो हम उसी पिन्स को यूज़ करके ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इसका जो कनेक्शन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने Arduino के साथ। तो इसको पहले हम माउंट कर देंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर, ओके, ये माउंट हो गया, एक मिनट, इसको ये हो गया, ठीक है, ये माउंट हो गया। अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ पिन्स यूज़ किया हुआ हूँ Arduino मेगा का, जैसे कि मेरा जो S0 है, यहाँ पे मेरा जो S0 है, ये वाला पिन, ओके, तो इसको मैं कनेक्ट किया हुआ हूँ, S0 को कनेक्ट किया हुआ 19 पिन नंबर 19 के साथ, डिजिटल पिन नंबर 19 के साथ, और मेरा जो S1 है वो कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 18 के साथ, S2 कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 17 के साथ, और S3 जो है वो मेरा कनेक्ट किया हुआ है पिन नंबर 15 के साथ Arduino मेगा का, ओके। एंड मेरा जो एक आउट पिन रहता है, जो OE आउट पिन रहता है, वो आउट पिन मेरा कनेक्टेड है डिजिटल पिन नंबर 15 के साथ, और सॉरी डिजिटल पिन नंबर 16 के साथ, ठीक है। और बाकी जो मेरा ये जो मेरा LEDs है, ये तीनों LEDs मेरे कनेक्ट रहेंगे Arduino के A1, A2 एंड A3 के साथ, एनालॉग पिन A1, A2 एंड A3 के साथ, ओके। और अगर आप LCD कीपैड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, LCD का कीपैड सील अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जो आप कोडिंग में जब आप लिक्विड क्रिस्टल का लाइब्रेरी यूज़ करोगे, और वहाँ पे जो लिक्विड क्रिस्टल LCD का जो आपका पिन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जैसे कि RS हो गया, EN हो गया, D4, D5, D6, D7, ये जो पिन आप यूज़ करोगे, उसके लिए आपका डिजिटल पिन रहता है 8, 9, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। ये मैं कोडिंग जब मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोग्रामिंग, तब मैं आपको समझा दूंगा इसको और अच्छी तरह से। सो पहले इसका कनेक्शन कंप्लीट करते हैं और फिर कोडिंग के ऊपर जाएंगे। सो लेट्स डू द कनेक्शन फर्स्ट। सो अभी हम लोगों का जो सर्किट कनेक्शन है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे एनालॉग पिंस यूज किया हुआ है A1, A2, A3 मेरा LED के लिए, और यहाँ पे मेरा फोटो डायोड का भी कनेक्शन हो गया है, ठीक है। इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में भी आपको समझा दूंगा कि LCD कीपैड सील का कनेक्शन में क्या चेंजेस रहेगा, ओके। एंड ये हो गया हम लोगों का कनेक्शन अभी कंप्लीट, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रोग्राम चेक करेंगे, प्रोग्राम को इसमें अपलोड करेंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि हम लोगों का आउटपुट किस हिसाब से रन हो रहा है। सो लेट्स गो टू द कोडिंग। सो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग का फोटो डायोड का जो कलर डिटेक्टर है, उसका जो कोडिंग रहेगा Arduino का, वो किस हिसाब से रहेगा। तो सबसे पहले हम अपना Arduino ID ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना लिक्विड क्रिस्टल डैच का लाइब्रेरी लिया हुआ है, जहाँ पे मैंने लिक्विड क्रिस्टल का पिंस को असाइन किया हुआ है 8, 9, 4, 5, 6, 7। अगर आप LCD कीपैड सील यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए पिन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही रहेगा, चाहे आप जो भी प्रोजेक्ट यूज़ करो, जो भी प्रोजेक्ट में अगर आप कीपैड सील यूज़ कर रहे हो तो यही रहेगा, उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा कॉन्स्टेंट इनका सिंटैक्स यूज़ करके मेरा जो पिंस है प्रोटो डायोड का S0, S1, S2 एंड S3 और आउट का, उसको मैंने Arduino मेगा का 19, 18, 17, 15 एंड 16 के साथ असाइन किया हुआ है। देन मेरा जो तीनों LEDs से उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है A1, A2 एंड A3 के साथ, और मेरा जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू का वेरिएबल्स का जो वैल्यू है वो उसको मैंने 0 पे इनिशियली असाइन किया हुआ है। देन हम आते हैं बॉयड सेटअप में। बॉयड सेटअप में पहले मैंने अपना सीरियल मॉनिटर को कॉल किया हुआ है serial.begin को यूज़ करके, LCD.begin को यूज़ करके मैंने स्टार्ट किया मेरा LCD कीपैड, LCD
16:2 LCD को, देन मैंने अपना पिन मोड का सिंटेक्स यूज करके मैंने मेरा जितना भी आउटपुट पिंस जितना भी पिंस थे मेरे 0S1 से लेके LEDs तक उसको मैंने आउटपुट पे असाइन कर दिया है, और मेरा जो डिजिटल राइट है उसको S0 and S1 पे रख के मैंने उसको हाई पे सेट कर दिया है। तो ये मैंने क्यों किया हूँ वो मैं थोड़ा आगे जाके आपको समझाऊंगा। वॉइल लूप में आएंगे, वॉइल लूप में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने सेट कर्सर को सेट 0 पे सेट किया हुआ LCD को, और जो भी चीज़ जो डिटेक्ट होने के बाद कलर्स जो भी चीज़ें आने वाली हैं प्रिंट होके मैंने उसको यहाँ पे एक सीरियली लिख दिया हुआ है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे इफ लॉजिक के ऊपर आएंगे, इफ लॉजिक जो ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक है जो यूज़ हो रहा है ये प्रोग्राम में, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये मैंने लॉजिक जो है मैंने ये तीनों कलर के लिए यूज़ किया हुआ है, रेड ब्लू एंड ग्रीन तीनों कलर के लिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। इसका लॉजिक इस हिसाब से काम करता है कि अगर मान लीजिए आपका जो फोटो डायोड है उसका जो फ्रिक्वेंसी स्केल रहता है, और आप लो लो पे रखोगे S0 and S1 को, तो वो जो उसका फ्रिक्वेंसी स्केल में जो पावर जो है वो डाउन शो करेगा। अगर आप उसको लो हाई पे रखोगे मतलब 101 पे, अगर आप उसको 00 पे रखोगे तो वो पावर डाउन शो करेगा, 01 पे रखोगे तो 2% शो करेगा, अगर उसको 10 पे रखोगे तो 20% शो करेगा, एंड अगर उसको 11 पे रखोगे तो 100% शो करेगा। तो ये जो है हम लोगों का ये 11 पे है, S0 and S1 का वैल्यू 11 मतलब हाई पे है, तो इसलिए वो 100% फ्रीक्वेंसी पे अभी रन हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अगर इसका जो रहता है ये जो इफ रेड इज स्मॉलर देन ब्लू एंड रेड इज स्मॉलर देन ग्रीन एंड रेड इज स्मॉलर देन 20, ये जो है इसका डिपेंड करता है ये आपका जो आपका फोटो जो फोटो डायोड रहता है उसका वो किस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि उसके लिए भी एक सेपरेट सा लॉजिक है। जैसे कि अगर लो लो पे रहेगा 00 पे रहेगा तो वो रेड कलर को सेंस करेगा, ठीक है, रेक्टिफाई करेगा, अगर लो हाई पे रहेगा तो ब्लू कलर को सेंस रेक्टिफाई करेगा, अगर हाई लो पे रहेगा मतलब 20% पे रहेगा तो 20% पे जब रहेगा वो क्लियर शो करेगा मतलब फिल्टर होकर आएगा, अगर वो 100% पे रहेगा हाई पे रहेगा तो वो ग्रीन कलर को डिटेक्ट करेगा। तो उसी लॉजिक के ऊपर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो लॉजिक इफ जो मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे इफ कॉस को वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है उसी के ऊपर। तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी क्लियर होना है, ठीक है, तो फोटो डायोड के ऊपर और भी आपको अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मैं इसको और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा एक दूसरे एक नया वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। तो बस इतना ही है इसके प्रोग्राम में, ओके। एंड अभी क्या करते हैं, अभी हम उसको अपलोड करते हैं हम लोग के आर्डिनो मेगा में और चेक करेंगे कि हम लोग का आउटपुट किस हिसाब से रन हो रहा है। सो लेट्स गो टू द आउटपुट, आपको अच्छे से विजिबल रहेगा, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे LCD पे लिखा हुआ आ रहा है कि कलर डिटेक्टेड, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेंस करवाएंगे, सबसे पहले हम सेंस करवाएंगे रेड कलर को सेंस करवाएंगे हम लोग, ठीक है ना, कलर सेंसर के ऊपर लेके आएंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे LCD पे लिखा हुआ आ रहा है रेड कलर बोल के, ओके। तो अभी हम रेड कलर सेंस हो गया, अभी हम लेके आएंगे अपना ग्रीन कलर को अभी सेंस करवाएंगे। तो जब हम ग्रीन कलर को अभी सेंस करवा रहे हैं तो तब लिख के आ रहा है ग्रीन कलर डिटेक्टेड बोल के, ठीक है। ये थोड़ा लूज रह रहा है, मेरा जो वायरिंग है यहाँ पे थोड़ा सा लूज रह रहा है क्योंकि मैंने इसको टेप कर दिया है, इसलिए बीच बीच में ये थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है, नहीं ले ये कलर अच्छे से सेंस कर पा रहा है, ठीक है ना, ग्रीन कलर डिटेक्टेड। अभी हम लाएंगे ब्लू कलर को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इसको ब्लू कलर को लेके आएंगे तो कलर डिटेक्टेड ब्लू कलर बोल के लिख के आ रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो एकदम सही से वर्क कर रहा है, सही से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। एंड आई होप कि ये वाला प्रोजेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरा जो इंस्टा आईडी गिवन रहता है वहाँ पे आप मुझे जाके DM भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट कोड रहेगा और यहाँ पे सर्किट डायग्राम रहेगा वो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में गिवन रखूँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसको कैरी आउट करने में, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल रियली हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल, थैंक यू।